हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का आज डे 8 है, तो शुरू करते हैं आज के डे 8 के एफर्मेशंस। बहुत ही ध्यान से सुने, आप इसके कैप्शंस भी ऑन कर लें जो स्क्रीन पर आएगा। वो सेंटेंसेस जब आपके माइंड में रजिस्टर होंगी तो वो ज़्यादा काम करेंगी। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, क्रिएटिंग अ हारमोनियस अलाइनमेंट बिटवीन माई माइंड बॉडी फॉर कंसिस्टेंट एक्शंस एंड सक्सेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका माइंड बॉडी अलाइंड हो आपके हर एक्शंस के लिए। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आपके माइंड कह रहा है कि 5 बजे उठना है, आपकी बॉडी कहेगी कि अब रहने दो। सो माइंड बॉडी का अलाइनमेंट आपके सक्सेस के लिए, आपके एक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरी बहुत फेवरेट अफर्मेशन है। क्रिएटिंग अ हारमोनियस अलाइनमेंट बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी फॉर कंसिस्टेंट एक्शंस एंड सक्सेस। एवरी डे माई माइंड एंड बॉडी वर्क इन परफेक्ट हारमोनी टू प्रोपेल मी टूवर्ड्स माई गोल्स एंड मैनिफेस्ट सक्सेस। हर दिन मेरा माइंड और बॉडी एक साथ काम कर रहा है मेरे सक्सेस के तरफ बढ़ाने के लिए, एंड मेरा माइंड और बॉडी परफेक्ट हारमोनी में है। ये बहुत ज़रूरी है इस बात की बिलीव करना। आई ट्रस्ट दी इननेट विजडम ऑफ माई बॉडी एंड माइंड गाइडिंग मी टूवर्ड्स एक्शंस दैट अलाइन विथ माई डीपेस्ट एस्पिरेशंस। आई ट्रस्ट दी इननेट विजडम, इस बात को समझिए कि विजडम ऑफ माई माइंड एंड माई बॉडी, हमारे माइंड की हमारे बॉडी की एक विजडम है। आपने सुना होगा हमारे सेल का भी एक DNA है, उसका भी एक माइंड है, तो हमारे बॉडी का भी माइंड है। और जब माइंड है तो उसमें विजडम है, तो हमारा माइंड और बॉडी एक इननेट विजडम है इन दोनों में, जो कि हमें गाइड करता है टुवर्ड्स एक्शंस दैट अलाइन विथ माय डीपेस्ट एस्पिरेशंस, जो मुझे अलाइन करता है जो मैं करना चाह रही हूँ। आई एम इन ट्यून विद दिस सिग्नल्स माय बॉडी सेंस अलाउइंग मी टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट माय ओवरऑल वेल बीइंग एंड सक्सेस। मैं ट्यून हूँ दैट सिग्नल्स माय बॉडी सेंस। मेरा शरीर जो भी सिग्नल देता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है, कौन से एक्शंस लेने हैं, ओवरऑल वेल बीइंग के लिए मेरी बॉडी ट्यून है उस सिग्नल्स के लिए जो मैं चाहती हूँ, जो हमारी बॉडी जो एक्शंस ले रही है। द सिनर्जी बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी इम्पावर्स मी टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस लीडिंग मी टू अचीवमेंट ऑफ माई गोल्स। ये एक सिनर्जी बनाती है, माई माइंड एंड बॉडी दोनों एम्पावर करती है। आज का पूरा जो एफर्मेशंस है वो माइंड बॉडी को सिंक्रोनाइज करने के लिए ही है। तो अब आते हैं इसके हिंदी वर्जन पे। यस, मैं अपने जीवन का वास्तुकार हूँ जो मेरे मन और शरीर के बीच सामंजस्य से तालमेल और निरंतर कार्यों और सफलता के लिए प्रेरित करता हूँ। हर दिन मेरा मन और शरीर पूर्ण तालमेल में काम करते हैं ताकि मुझे अपने लक्ष्यों की ओर और सफलता की ओर बढ़ाया जा सके। मैं अपने मन और शरीर की स्वाभाविक बुद्धि पर विश्वास करता हूँ। मेरे मन और शरीर की एक स्वाभाविक बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जो उन कार्यों की ओर मार्गदर्शन करती है जो मेरे गहरे आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। मैं अपने शरीर द्वारा भेजे गए संकेतों के साथ तालमेल में हूँ, जिससे मुझे अपने समग्र कल्याण और सफलता का समर्थन करने वाले विकल्प बनाने में मदद मिलती है। इस बात को समझे, मैं अपने शरीर द्वारा भेजे गए संकेतों के साथ तालमेल में हूँ, जिससे मुझे अपने समग्र कल्याण और सफलता का समर्थन करने वाले विकल्प बनाने में मदद मिलती है। यानी जो भी इंट्यूशन मुझे मेरे माइंड बॉडी में आते हैं उसको करने के लिए मेरा माइंड बॉडी प्रेरित रहता है और ऐसे विकल्प मुझे बताता है जो मेरे लिए सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे मन और शरीर के बीच तालमेल मुझे प्रेरित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मेरे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ये थे आज के एफर्मेशंस। अब आते हैं आज के डे 8 के रिचुअल्स पर। पहले हिंदी में ही देख लेते हैं।
मेरे मन अपने मन और शरीर के तालमेल बढ़ाने के लिए एक दैनिक अनुष्ठान बनाए, एक रिचुअल्स भी करना पड़ेगा ताकि हमारे माइंड बॉडी के बीच एक तालमेल बन सके। शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और खुद को केंद्रित करने के लिए 3 गहरी सांस लें। माइंडफुल एफर्मेशंस, अपनी सकारात्मक पुष्टि को जोर से बोलें, प्रत्येक शब्दों को दृढ़ता से व्यक्त करें, हर वर्ड को स्ट्रॉन्गली पावरफुल होकर बोलें और उसे फील करें। कल्पना करें आपके शब्द एक जीवंत ऊर्जा में बदल रहे हैं जो आपके चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसे फील करना जरूरी है, आपके शब्द एक एनर्जी, एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ वर्ड्स को बोलना नहीं है, उसे फील भी करना है। बॉडी अवेयरनेस एक्सरसाइज, धीरे धीरे अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस के साथ कल्पना करें कि एक गर्म सुनहरी रोशनी उस क्षेत्र को बढ़ रही है जिससे विश्राम और तालमेल में वृद्धि होगी। अपने एक एक हिस्सों पर यानी सर से पांव तक अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और हर सांस के साथ कल्पना करें कि एक गर्म सुनहरी रोशनी उस क्षेत्र को भर रही है, यानी हर ऑर्गन, हर सेल्स, हर आर्टरी और वेंस को विजुअलाइज करें सर से पांव तक धीरे धीरे। एंड ऐसा विजुअलाइज करें कि एक रोशनी, एक पावरफुल रोशनी से आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक आर्टरी, एक एक वेंस, एक एक न्यूरॉन्स भर रहा है, उसमें एक नई एनर्जी भर रही है जिससे वो लोग रिलैक्स्ड स्टेट में आ रहे हैं। सॉरी, वो लोग मतलब वो चीज़ें, हर आपके बॉडी के ऑर्गन, बॉडी सेल्स। गोल विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों को यथासंभव स्पष्ट रूप से देखें। ये विजुअलाइजेशन को आप अपने लाइफ का पार्ट बनाएं। हर दिन सुबह, दोपहर, शाम, जिस वक्त भी आपको समय मिलता है, आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। सो जब भी आपको समय मिले तो रिलैक्स होने के लिए आँखों को बंद करके और विजुअलाइज करें अपनी हेल्दी बॉडी, अपना सक्सेसफुल लाइफ, अपनी हैप्पी लाइफ, जैसे भी लाइफ आप चाहते हैं उसे विजुअलाइज करना शुरू करें। जबकि लोग ये गलती करते हैं कि जब वो रिलैक्स होते हैं तो वो उन चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं जो उनकी लाइफ में करेंटली हो रही है, एंड मोस्टली लोग उसे नेगेटिव वे में ही इंटरप्रेट करते हैं। क्लोजिंग अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन, अपने मन और शरीर के बीच तालमेल के लिए आभार व्यक्त करें। आप ग्रेटिट्यूड पे करें कि अब आपका माइंड बॉडी बिल्कुल ही अलाइन हो चुका है। अपनी प्रगति को पहचानें और भविष्य में और भी बेहतर तालमेल के लिए संभावनाओं को स्वीकार करें। ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे माइंड एंड बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाए। मैंने भी इस पर बहुत काम किया है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैंने डिसाइड किया कि आज सुबह जिम जाना है या वर्कआउट करना है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आज एनर्जी कम फील हो रही है, रहने दो, पाँव में दर्द है। सो माइंड, बॉडी एंड सोल का अलाइनमेंट होना, सिंक्रोनिसिटी में होना, इसे ही अलाइनमेंट कहते हैं। और ये जब आप अचीव कर लेंगे तो आपकी लाइफ के कोई भी गोल, चाहे हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस कुछ भी हो, वो बहुत ईजिली अचीव हो पाते हैं। अपनी प्रगति को पहचानें और भविष्य में और भी बेहतर तालमेल के लिए संभावनाओं को स्वीकार करें। क्लोजिंग अफर्मेशन, अपने अनुष्ठान को अंतिम पुष्टि के साथ समाप्त करें और मन और शरीर के बीच संबंधों को मजबूत करें। पुष्टि करें कि आप निरंतर कार्यों को अपनाने और सफलता को प्रकट करने के लिए तैयार हैं। आज के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। आज के लिए इतना ही। तो इस आज का पूरा जो ये वीडियो था, इस बात पर था कि अपने माइंड बॉडी में तालमेल बिठाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी में सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक गाड़ी है और उसका जिस तरह के इंजन है, गाड़ी बहुत बाहर से खूबसूरत है और ऐसा लगेगा कि बहुत ही एकदम नई है, और अगर उसके इंजन में कुछ खराबी है तो वो जो उसका ओरिजिनल माइलेज है वो नहीं दे पाएगी। सो दोनों में सिंक्रोनिसिटी होनी चाहिए। आपके इंजन भी इतने पावरफुल होने चाहिए कि वो
जो उसका माइलेज है, उसकी जो पावर है, वो उसकी फुल एफिशिएंसी पर हो और वो बाहर से दिखने में भी उतनी सुंदर लगनी चाहिए जितनी कि सचमुच में उसकी एफिशिएंसी है। इसे ही कहते हैं माइंड बॉडी एंड सोल का कोऑर्डिनेशन। तो डे 8 के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 9 पे। इस सीरीज़ को फॉलो करें, लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप है। इट्स अ लाइफ चेंजिंग। 21 डेज के बाद मैं इसे प्राइवेट कर दूंगी, क्योंकि ये एक वर्कशॉप है।